चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में। तो इसमें हम लोग दो चैप्टर अभी तक खत्म कर चुके थे। एक पृथ्वी का परिचय देख चुके थे और दूसरा विश्व का। ठीक है, अब इसमें बात करने वाले हम लोग उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। ठीक, याद रखिए, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ याद रखना। जितने भी लेक्चर बनेंगे मानचित्र से संबंधित, तो याद रखना ये सभी आप लोगों को एक ही जगह मिलेंगी, वो है मैप्स या मानचित्र के नाम से प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अलास्का श्रेणी। संयुक्त राज्य अमेरिका की अलास्का प्रांत के दक्षिणी तट के समांतर विस्तृत इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट मैकेनले। कितना है? 6,194 मीटर। ठीक है, याद रखना। उत्तरी अमेरिका का इस सर उत्तरी अमेरिका का भी ये सर्वोच्च शिखर है। फिर रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए टर्शरी युग को वलंदार पर्वत, अलास्का में अवस्थित माउंट मैकेनले ऊंचा पर्वत शिखर रॉकी पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। कोलोरेडो, कोलंबिया तथा मिसौरी नदियां इसी पर्वत से निकलती हैं। फिर एडिर डेक पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में अवस्थित यह पर्वत अपलेसियन पर्वत की एक भुजा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की हडसन मोहाक नदियों का उद्गम इसी पर्वत से होता है। इसका सर्वोच्च शिखर मालसी है। ठीक है, फिर है अपलेसियन पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में फैले हुए अपलेसियन पर्वत की गणना विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में की होती है। इसका सबसे ऊंचा शिखर है माउंट मिचेल, जिसकी ऊंचाई है 2,037 मीटर। फिर है ब्लू रेज माउंटेन, अपलेसियन पर्वत की एक भुजा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वेनिया से लेकर जॉर्जिया तक फैली हुई है। इस पर्वत में कोयले, लोहे एवं अन्य धातुओं के भारी भंडार हैं। फिर कास्केड श्रेणी, वलंदार पर्वत की यह वलंदार श्रृंखला उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। कास्केड रेंज में बहुत से ज्वालामुखी पर्वत हैं। इसके ज्वालामुखी पर्वतों में माउंट रेनियर, माउंट सैंड हेलन तथा माउंट हुड प्रमुख हैं। कोस्ट रेंज, टर्तरी युग में निर्मित वलंदार पर्वत जो प्रशांत महासागर के तट के समानांतर उत्तरी अमेरिका में फैले हुए हैं। लॉस एंजल्स, सैन डियागो, सैन फ्रांसिस्को, सैन जोस, पोर्टलैंड जैसे मुख्य नगर एवं बंदरगाह इस श्रेणी के पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं। फिर फेयर वेदर माउंटेन, अलास्का तथा ब्रिटिश कोलंबिया की सीमा पर अवस्थित इसका सबसे ऊंचा शिखर है ब्रिटिश कोलंबिया, 4,663 मीटर ऊंचा है। फिर ग्रेट स्मोकी माउंटेन, यह पर्वत अपलेसियन पर्वत की एक भुजा है जो उत्तरी कैरोलिना तथा टेनिसी राज्यों में फैली हुई इसका सबसे ऊंचा शिखर है किलंग मांस डॉम। ठीक, फ्रेश सेरा निवादा, कैलिफोर्निया राज्य में फैले हुए टर्सरी युग का पर्वत है। इसका सर्वोच्च ऊंचा शिखर माउंट हेंटनी 4,418 मीटर ऊंचा है। फ्रे ओलिम्पस पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन प्रांत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित 2,428 मीटर ऊंचा पर्वत जो रॉकी पर्वत श्रृंखला का भाग है। फिर अब सरोका श्रेणी, संयुक्त राज्य अमेरिका के वायोमिंग प्रांत में से स्थित रॉकी पर्वत क्रम की एक पर्वत श्रेणी जिसका सर्वोच्च शिखर फैंग्स 4,006 मीटर ऊंचा है जो इसके दक्षिणी भाग में। फिर आयरन पर्वत, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत में सुपियर झील के
दक्षिणी तट पर स्थित पर्वत जिसकी सर्वोच्च चोटी 280 मीटर ऊंची है। फिर एलिवसियन श्रेणी, अलास्का की श्रेणी दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी जिस पर कटमई ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। इसी के बाद कटमई राष्ट्रीय स्मारक भी स्थित है। ठीक, अभी चोटियों के नाम देख लेते हैं, फिर मैप्स में देख लेंगे। ठीक है, पूरे पहले ये खत्म कर लें, फिर एक के बारे में देख लेंगे मैप में। अलेघिनी पर्वत, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया तथा मैरीलैंड प्रांतों में स्थित अपलेसियन पर्वत क्रम की एक श्रेणी जो ब्लू रिज के समांतर स्थित है तथा 609 से 1463 मीटर ऊंची है। फिर ओगी लिप पर्वत, कनाडा तथा अलास्का के सीमा पर यूकन क्षेत्र में स्थित रॉकी पर्वत क्रम का एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई 4000 फीट है। फिर ओचीता पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओक्लाहोमा तथा अरकनसास प्रांतों की सीमा पर स्थित एक अवशिष्ट पर्वत जो ओजार्क पठार का दक्षिणी विस्तार है तथा जिसकी सर्वाधिक ऊंचाई 2660 फीट है। फिर कैमरून की पहाड़ियां, कनाडा के ग्रेट स्लेप झील के दक्षिण में है, नदी के समांतर है, हे नदी के। ठीक, फिर कैरी बाऊ पर्वत, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित रॉकी पर्वत का एक भाग है जिसका सर्वोच्च शिखर है सर विल्फीड लॉरियर। फिर कुस्कुक बिम पर्वत, अलास्का के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में कुस्कुक बिम नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है। फिर कैट्स किल पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में हडसन नदी के दाहिने किनारे पर स्थित अपलेसियन पर्वत का क्रम का एक पर्वत है। फिर ग्रीन पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में एक पर्वत जो अपलेसियन के उत्तरी भाग पर स्थित है, इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट मैंसफील्ड। फिर फेली पर्वत, कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत यूकन में स्थित रॉकी पर्वत क्रम की एक श्रेणी है जो 532 किलोमीटर लंबी पेली नदी मैकेंजी पर्वत से निकलकर यूकन नदी में मिलती है। फिर पीकॉक पहाड़ी, कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में आर्कटिक वृत्त पर 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित एक पहाड़ी स्थित है। फिर पाइन पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में अपलेसियन पर्वत दक्षिण पूर्व किनारे पर स्थित एक पर्वत है। फिर ब्लू पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका के मैन प्रांत में स्थित अपलेसियन पर्वत का पर्वत क्रम की एक चोटी है। फिर ब्लैक हिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ डकोटा और मोंटाना राज्यों की सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी है जिस पर रैपिड सिटी स्थित है। मैकेंजी पर्वत, कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत की पश्चिमी सीमा पर स्थित एक पर्वत है जो रॉकी पर्वत क्रम का भाग है, इसका सर्वोच्च बिंदु है कीली चोटी। फिर रेनियर पर्वत, संयुक्त राज्य अमेरिका के में वॉशिंगटन प्रांत के कास्केड श्रेणी पर स्थित 4395 मीटर ऊंची चोटी जिसे टिकोमा कहा जाता है, यह रेनियर पर्वत राष्ट्रीय पार्क स्थित है। फिर रंगेल पर्वत, अलास्का की पूर्वी सीमा पर कनाडा की सीमा के सहारे स्थित रॉकी पर्वत का उत्तरी भाग जिसका सर्वोच्च शिखर है माउंट बोना। फिर सेल्विन पर्वत, कनाडा के उत्तरी पश्चिम भाग में मैकेंजी पर्वत के समांतर पश्चिम स्थित एक पर्वत क्रम है। फिर सैंड हिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवास्का प्रांत में मिसूरी नदी के पश्चिम में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। सेरा माद्रे, मेक्सिको के पश्चिमी तट के सहारे स्थित एक पर्वत है जो रॉकी का दक्षिणी विस्तार है। फिर सेरा मिस्टा, क्यूबा के दक्षिणी तट पर स्थित 1974 मीटर ऊंचा एक पर्वत है। सेरा निवादा, संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी कैलिफोर्निया
तथा नेवादा प्रांत की सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रेणी जिसका सर्वोच्च शिखर है हिटनी 4,418 मीटर। सैक्रामेंटो पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत में स्थित एक पर्वत है। फ्रेहाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेसियन पर्वत के उत्तरी पूर्वी छोर पर न्यू हैम्पशायर राज्य में स्थित एक पर्वत जिसका सर्वोच्च शिखर है माउंट वाशिंगटन। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं मैप में एक बार। ठीक, तो याद रखना ये हमारी अलास्का श्रेणी है। ठीक, ये अलास्का श्रेणी इस संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत के दक्षिणी तट के समांतर विस्तृत है। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है माउंट मैकिनले, कितना है 6,194 मीटर, जो उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, याद रखना। कोकबिम पर्वत है, ये ब्रुस सैडी है, ये रंगेल पर्वत है। ठीक, ओली ओगी लिप पर्वत है। ठीक, फिर यही मैकेंजी सैडी है, सेल्विन पर्वत है यहाँ जो। ठीक, एली सीएन सैडी है, यही पेली पर्वत है, पीकॉक पहाड़ी है, फिर कैमरून पहाड़ी यहाँ है। ठीक, याद रखना है ये जो है ये रॉकी पर्वतमाला है। ठीक, यहाँ जो कोस्ट रेंज है, यहाँ ये कास्केड श्रेणी है, ये ओलंपस पर्वत है। ठीक, ये हमारा अप्सरोका श्रेणी, ये सेरा नेवादा, और ये बगल में ही हिटनी पर्वत। ठीक, ये ब्लैक हिल्स हो गया, यहाँ आयरन पर्वत हो गया, यहाँ ये ब्लू पर्वत हो गया, यहीं हवाई पर्वत, और हवाई के पर्वत के नीचे ग्रीन पर्वत, ग्रीन पर्वत के नीचे कैंट्स किल पर्वत, अलेगेनी पर्वत यहीं है, रेड नीचे अपलेसियन पर्वत, यहाँ बगल में ब्लू रिज पर्वत, फिर ब्लू रिज पर्वत के और नीचे आप ग्रेट स्मोको सैडी, फिर उसके और नीचे पाइन पर्वत, यहाँ सैंड हिल्स, फिर नीचे वो चीता पर्वत, फिर सेंकोमेंट्स पर्वत, फिर बसाच श्रेणी, फिर ये याद रखना ये पूर्वी सेरा मात्रे है, ये पश्चिमी सेरा मात्रे है, ये पूर्वी सेरा मात्रे है, ये पश्चिमी सेरा मात्रे है, ये यहाँ हमारा सेरा मिष्टा है, और ये पीली पर्वत है। ठीक, चलिए तो एक कुछ महत्वपूर्ण उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हो गई, मैप में भी कुछ महत्वपूर्ण देख लिए हम लोगों ने। अब आगे बात करेंगे हम लोग दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। ठीक है, याद रखिए।